रहा है दिन के 2 और अभी हम रनसा की नानी के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ काम था और हमारे सामान वगैरह कुछ वहाँ रखा हुआ था तो वहाँ जा रहे हैं शाम को, फिर रात को लेट ही वहाँ से आएंगे डिनर वगैरह करके। तो हमारे पैसे चलता रहता है कभी यहाँ कभी रनसा की नानी के यहाँ। रनसा बाय कर दो सबको, बाय। एवरीवन, तो आज डेट है 14th of March और जस्ट अभी मैं पूजा को उसके ऑफिस छोड़ के आया हूँ, रणसा उसकी नानी के यहाँ पर है और अभी मैं पूजा की गाड़ी में थोड़ा कुछ काम कराना है, वो काम करा के मैं पापा के पास जाऊँगा मेरे। और नई गाड़ी का प्लान हो चुका है, पूजा की पुरानी गाड़ी दे के हम नई गाड़ी ले रहे हैं तो वो सरप्राइज़ है आप सभी के लिए। तो अब उसके लिए थोड़ा सा गाड़ी को कम्प्लीट करा के देना होगा और काफ़ी अच्छी प्राइस में निकल गई है पूजा की पुरानी गाड़ी, क्योंकि कम चली हुई थी, मात्र 24,500 किलोमीटर चली हुई थी तो वो तो फाइनल हो गया है। और अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोटा ब्रिज के जस्ट सामने वाली पुलिया के ऊपर, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पूजा का ऑफिस भी। ये जो गेट्स दिख रहे हैं, ये जो गेट्स हैं ये कोटा ब्रिज के गेट हैं और ये जो चिमनियाँ हैं 1, 2, 3, 4 ये चिमनी वाला ही पूजा का ऑफिस है, तो जो है कोटा थर्मल, तो पूजा कोटा थर्मल में जॉब करती है और ये सारे गेट्स कोटा ब्रिज के गेट हैं। और इधर से अभी हम पुलिया पे खड़े हैं, रणसा भाई यही छोड़ दो रणसा को, नहीं लेके जाएंगे भाई। वेलकम बैक एवरीवन, तो टाइम हो रहा है शाम के 6 और फिर हम दिन में आके मैं सो गया था, रणसा भी सो गया था मेरे साथ। तो अभी रणसा और मैं रणसा के दादू के पास जा रहे हैं, रणसा भी सो के उठा है और खुद को देख के खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है बट पहले से अभी थोड़ी इसकी तबीयत ठीक है, इसके दांत आ रहे हैं इसलिए इसको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अभी भैया वहाँ जाके दादू के वहाँ जाके मस्ती करने वाला है, बहुत परेशान करता है अपने दादू को वहाँ जाके। और मुझे कुछ काम है, एक तो राइड प्लान बनाने थे, मैंने सोचा वहाँ पर मैं बना लूँगा कि घर पर ना तो ये मेरे को काम करने देना, पूजा को तो पूजा को घर पर काम कर लेंगे तो इसको दादू संभाल लेंगे, मैं अपना काम कर लूँगा। हैरान सा रणसा क्या ये ताता ताता खाला आइसक्रीम खा लो, ताता है ताता। गाइस, तो टाइम हो रहा है शाम के 8:30 और अब पापा के यहाँ से हम लोग वापस से घर जा रहे हैं रणसावर में। तो बढ़िया अच्छे से परेशान किया से दादू को, बहुत इधर से उधर भगा, सामान तोड़े, कप तोड़ा, काफ़ी मस्ती की इसने वहाँ पे, दिख रहा होगा आपको। तो मैंने भी अपना जो काम था वो वहाँ पे बैठे बैठे जो राइट टाइम वगैरह बना रहे थे मैंने बना लिया, तो एक बंद दो काज हो गए। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस से घर पे, फिर वैसे तो आज संडे है पर मेरे को ट्रेनिंग कराने जाना है तो
फिर अब पूजा संभाली है रनसा को, शायद पूजा ने अब तक डिनर बना लिया होगा, तो देखते हैं अगर टाइम पे जाता हूँ मैं डिनर करके जाऊँगा क्योंकि मुझे 9:30 तक वहाँ पहुँचना है। हाँ भैया आपसे ही बात करेंगे भाई। Yeah.